हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नए लुसेंट, यानी कि जो लेटेस्ट एडिशन है लुसेंट का, उसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। उसके सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कवर करेंगे, जैसे कि इतिहास, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी और साइंस पूरी कवर करेंगे हम लोग ल्यूसेंट से। और ल्यूसेंट कितना महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को, आप चाहे एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, या फिर बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का पीटी दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। आपको ये वादा दिलाता हूँ, आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इन सीरीज को एंड तक देखते हैं, तो आपको सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट को और समझते हैं बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से। देखिए, हम लोग ल्यूसेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें है जो पहला टॉपिक है, भारत का इतिहास। किसका है? भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, यानी कि भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। आप किसी किसी बुक में ये भी देखेंगे कि भरत एक राजा का नाम था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम ल्यूसेंट को पढ़ रहे हैं तो केवल ल्यूसेंट पर ही अभी रिलाई करेंगे। प्राचीन भारतीय अपने देश को, यानी कि भारतवर्ष को, जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से क्या कहते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, यानी कि यूरोपियन देशों में यही नाम फैल गया और इसी पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोग जो थे इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में हमारे प्यारे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। आपको बोला जाए कि हिंदू कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है फारसी है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने जो इंडिया, हमारे प्यारे भारत को इंडिया कहा, उसका आधार क्या है, तो यूनानी भाषा का इंदे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन रेंज है, वो हमारे प्यारे भारतवर्ष को, हमारे प्यारे भारत को दो पार्ट में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे नस्ल इस प्रकार से हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसोइड, निग्रोइड और मंगलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, हम करेंगे अभी प्राचीन भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किन्होंने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत को, प्राचीन भारतीय इतिहास को जो हम लोग जानते हैं जिससे, तो उनके कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, याद रखना है, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। एक एक करके हम इन चारों पर डील करेंगे कि किस किस कारण से, धर्म ग्रंथ से हमें कैसे जानकारी मिली प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ से कैसे, तो हम लोग एक एक करके इसे डिस्कशन करते हैं ल्यूसेंट बुक से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम लोग देख रहे हैं धर्म ग्रंथ को। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का सर्वप्राचीन यानी कि सबसे पहला जो पुराना धर्म ग्रंथ है, क्या है? वेद है। और वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों का संकलनकर्ता कौन थे, तो आपको बताना है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को
वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। जो वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरूषेय मानती है, यानी कि वेदों को जो भारतीय परंपरा है वो नित्य यानी कि कंटिन्यूअस यानी कभी खत्म नहीं होने वाला, और अपरूषेय का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा ना लिखा गया हो, महापुरुष या देवता के द्वारा लिखा गया है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद को अगर एक कलेक्शन में कहा जाए तो इन्हें संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। हम इन चारों वेदों को एक एक करके देखते हैं कि इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाएँ क्या होती हैं? तो श्लोक होता है। क्या होता है? श्लोक होता है। उसके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर्स हैं, 1028 सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? जो ऋचाओं का एक पैराग्राफ होता है उसे सूक्त कहा जाता है। तो 1028 सूक्त, जिसे वालकल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10462 ऋचाएँ हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को यानी कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है उससे आर्य यानी कि श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष जो आर्य थे उन्हें कहा जाता था। उनके राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद का तीसरा मंडल किनके द्वारा रचित है? आपको बताना है विश्वामित्र। और इसका जो तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। अच्छा, ऋग्वेद के नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, जो ऋग्वेद का आठवां मंडल है उसमें हैंड रिटेन ऋचाएँ हैं, उसको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ये चार वर्णों का, जो ये चार वर्णों का संकल्पना, जो चार वर्णों का आधार है, उनका स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। आपको ये बताना है ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से हमें चार वर्णों के समाज की कल्पना मिलती है, जिसके अनुसार चार वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये रहा हमारा यहाँ तक का पाठ। अब हम लोग देखते हैं आगे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में जो आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वेद में शब्द प्रयोग किया गया है अघन्य, उसका संबंध किससे है? गाय से है। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों तथा कर्तव्यों में स्पष्ट विभेद करता है। अब हम लोग देखेंगे ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। तो वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, या फिर इसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पूर्व के जो हम लोग समय देखते हैं, उसका जो काउंटिंग होता है वो उल्टी दिशा में इसकी गिनती होती है। जैसे अगर देखा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, लेकिन मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। आपको ये क्या नहीं लग रहा है कि ये उल्टी दिशा में है? 563 ईसा पूर्व में पहले जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले
बुद्ध की जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 साल पहले इनकी मृत्यु हुई, तो उल्टी दिशा में है। और ईसा मसीह के जन्म तिथि यानी कि ईसा मसीह के जन्म तिथि को 0 कंसीडर किया गया और उससे आगे क्या माना गया, ईस्वी, जिसे एडी भी कहा जाता है लैटिन भाषा में, ठीक है, एडी यानी कि एनो डेमिनी। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग 2021 में हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2021 साल आगे हैं हम लोग, तो आपको यहाँ से ये याद हो गया होगा ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में। अब देखिए वामन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाओं का संकलन है, तो 250, अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। नोट में दिया गया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। हम लोग अभी धर्म ग्रंथ देख रहे हैं जिसमें कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और प्राचीन इतिहास के जानने के लिए जो हमें स्रोत धर्म ग्रंथ से मिलती हैं उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला है यजुर्वेद, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में जो बलि के समय जो नियम कर्मकांड थे उनके नियमों का जो कलेक्शन है वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु, ठीक है, क्या कहा जाता है, अध्वर्यु, आपको याद रखना है। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अध्वर्यु कहा जाता है, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है एवं इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, बलिदान के विधि का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। आगे है सामवेद, सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है गान यानी कि म्यूजिक यानी कि संगीत। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, ऋचाओं का संकलन है। हम लोगों ने देखा यजुर्वेद में यज्ञों का नियम विधि विधान का उल्लेख किया गया है, और यज्ञों के अवसर पर जो ऋचाओं का गाने वाले ऋचाओं का संकलन है वो किस में है, सामवेद में है। और सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है या फिर उद्गाता भी कहा जाता है, और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद, और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य है। पद्य का मतलब कविताओं के रूप में जो संकलित पद्य होते हैं, ठीक है, तो 6000 पद्य हैं और 731 मंत्र हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, यानी कि अथर्ववेद में कुछ मंत्र जो हैं वो ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, ठीक है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म को अच्छा नहीं मानता था। अगला देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व तो इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद को रिप्रेजेंट करने वाला जो सूक्त है वो है पृथ्वी सूक्त। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन है, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण किसमें दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। कुछ मंत्रों में, ठीक है, कुछ अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुवों का राजा कहा गया है, अथर्ववेद में परीक्षित को कहा गया है, और अथर्ववेद में
कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अगला है, इसमें अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति, जब हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे तो वहां देखेंगे कि जो वैदिक समाज था उसमें सभा और समिति का बहुत ज्यादा महत्व था, एक ऐसा संस्था था जिसका बहुत ज्यादा महत्व था। और इन सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां, दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्व वेद में कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, वेदों की कुछ शाखाएं हैं जो विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा किससे जुड़ी है? ऋग्वेद से जुड़ी है। और यह एकमात्र जीवित शाखा है, साकल शाखा, जो कि ऋग्वेद से जुड़ी है। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यम दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसने संहिता की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कौन सा? मध्यम दिन और कान्व, और वाजसने संहिता की भी यही शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय, याल, तवल, तलवकार, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक तथा पैपलाद है। सौनक तथा पैपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। नोट में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला देखते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि वेदों को समझने के लिए कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया वेदों को समझने के लिए। तो उन ग्रंथों में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे जो रिसेंट में दिया गया है। ब्राह्मण में संहिता के पश्चात, यानी कि चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यक, उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सबसे हमें मिलता है। अगला देखते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। गद्य यानी कि कहानी के रूप में वेदों को समझाया गया है हर ब्राह्मण ग्रंथ में, और हर एक वेद को अच्छे से समझने के लिए एक, दो या तीन ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। और हर एक संहिता, हर एक वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा कौशितिकी। यजुर्वेद का है तैत्रीय तथा शतपथ। सामवेद का है पंचविश। अथर्ववेद का है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, हमने पहले भी देखा था। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक मतलब, अरण्य मतलब होता है वन, और वनों में ऋषि मुनियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई है वेदों को समझने के लिए, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गृहवी स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि स्त्री की सर्वाधिक गृहवी स्थिति किसमें देखने को मिलती है, तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गृहवी स्थिति देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है, यानी कि जो चार आश्रम होता है, ठीक है, जो 25-25 साल में आप लोग देखते हैं चार आश्रम का उल्लेख मिलता है, वो जाबलोपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, स्टैंडर्ड ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे वेदांग एवं सूत्र। तो वेदांग जो होता था, यानी कि वेदों का अंग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये इस प्रकार से हैं, जैसे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। जैसे कि आप अगर किसी बुक को पढ़ने के लिए जाएंगे, उसका एजुकेशन लेने जाएंगे, तो आप उस बुक को किस तरह से उच्चारित करके पढ़ेंगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वेदों को आपको किस तरह से उच्चारण करना है, उसके वेदों के मंत्रों को किस तरह से उच्चारित करके पढ़ना है, तो इसके लिए वेदांगों की रचना की गई है, जो कि शिक्षा के अंतर्गत आता है। कल्प में कर्म कांड्य विधि, नियम कानून जो दिया गया है वो कल्प में है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, शब्दों का व्युत्पत्ति किस तरह से हुआ वो बताया गया है निरुक्त में। व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष वेदांग के 6 पाठ हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य बनाया गया, जिनमें कि श्रौत्र, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। तो यहाँ तक बात हो गई। प्रमुख सूत्रकारों में कौन कौन आते हैं? गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब देखेंगे पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जिसमें मिलता है वो पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कहानियों, कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो अच्छे से विवरण दिया गया है, पुराणों में मिलता है। और पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराण का जो रचयिता है, लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 हैं, जिनमें कि केवल 5, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो कुछ पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण, इसमें जो वंश का उल्लेख है मौर्य वंश है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। नोट में है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। जैसे कि वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन, स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन, वैसे ही पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण में किस राजवंश का उल्लेख है? तो सातवाहन वंश का उल्लेख है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें स्त्रियों तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। जैसे कि स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। तो पुराणों का पाठ करने वाले को पुजारी कहते थे और उनका पाठ मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। हम लोगों ने देखा धर्म ग्रंथ, जिसमें कि हम लोग देखे ऋग्वेद, जो वेदों को देखा, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिया, जिनसे कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जिससे कि क्या जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जातक में, जो कि एक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। बौद्ध धर्म 2 पाठों में बढ़ जाता है। जब आप बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म 2 पाठों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर का जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिक यानी कि महावीर जी के समय जो भी राज्य व्यवस्था था, जो राजा था, जो उसके समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। आपको नाम से पता चल रहा होगा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, बट ये एक पॉलिटी की बुक था, ये एक राजनीतिक शास्त्र की बुक थी। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन। और इसके जो अनुवादक हैं वो हैं श्याम शास्त्री जी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलहन के द्वारा एक बुक लिखी गई है राजतरंगनी, जिसका मतलब होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर यानी कि शुरुआती समय से लेकर 12वीं यानी कि पहली सदी से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन राजतरंगिणी में है। इसके लेखक कलहन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जो अरबों के द्वारा सिंध पर हमला किया गया था, जो राजा दाहिर पर हमला किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसके साथ एक लेखक आए थे अली अहमद, उसने अपने बुक चचनामा में अरबों का सिंध विजय का वृतांत चचनामा में किया है। अब देखते हैं कि अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा की प्रथम, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, के लेखक कौन है? पाणिनी है। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसमें लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता को लिखने वाले कौन है? कात्यायन, एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से यानी कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब देखते हैं हम विदेशी यात्रियों से जो जानकारी मिली है प्राचीन इतिहास के बारे में, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं जिनके रचनाओं से हमें प्राचीन इतिहास कार्य बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, उसमें है टेसियस, जो कि ईरान का एक राजवैद्य था और पहले ईरान कहलाता था फारस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। हेरोडोटस, जिसे कि इतिहास का पिता कहा जाता है, और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निर्याकस, एनिसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण का अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है, क्या है? इंडिका है, में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। आगे है डायमिकस। डायमिकस एक सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, बिंदुसार के दरबार में डायमिकस, जो कि एंटियोकस का राजदूत था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे है डायोनीसियस। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। अशोक के राजदरबार में आने वाला विदेशी डायोनीसियस, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। बिंदुसार के दरबार में आने वाला तो वो है डायमेकस। अब देखते हैं टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लिनी की बुक कौन सी है, तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब
80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अगला है, कुछ चीनी लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फायान, संयुग्न, हेनसांग और इत्सिंग। आपको ये याद रखना है, फायान, संयुग्न, हेनसांग और इत्सिंग। इसके बारे में देखते हैं, फायान जो था वह यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला है संयुग्न। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो हेनसांग था वह बिहार में स्थित नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए वह आया था, जिसमें 138 इसका भ्रमण वृतांत, जो हेनसांग है उसका भ्रमण वृतांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक हैं इम्पॉर्टेंट, अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी अभी जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है वहाँ का रहने वाला था, जिसे उस समय ख्वारिज्म या खीव का कहा जाता था। अरबी में लिखी गई अलबरूनी की बुक है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, तीनों एक ही बुक है। आज भी ये बुक इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी कितने अध्याय में विभाजित हैं, तो 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला लेखक है अरबी लेखक इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है एक बुक रेहला। तो आपसे पूछा जाएगा रेहला किसकी कृति है? इब्न बतूता की है। ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। कुछ अन्य लेखक हैं तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो आपको यहाँ तक जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व यानी कि
ईसा मसीह के जन्म से 1400 वर्ष पूर्व के अभिलेख है, एक है बोगाज कोई अभिलेख, जिसे कि एशिया माइनर भी कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, जिसे कि अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर जिसे कि विदिशा भी कहा जाता था, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो हेलियोडोरस के द्वारा, हेलियोडोरस का स्तंभ लेख कौन है? तो विदिशा, ठीक है, आपको याद रखना है। और मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ उसकी जानकारी हमें हेलियोडोरस की वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोह गौरा अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। जो सोहगौरा अभिलेख है दोस्तों, इसमें संकट काल के समय जो खाद्यान्न को हम लोग सुरक्षित रखते थे उससे यूज करने का उल्लेख इस सोहगौरा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों के द्वारा आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जो कि जिस समय शासक कौन थे? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का, जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि साउथ के थे, उनका पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यहां मनुष्य के साथ इसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के क्या होते थे? जिसे ठोक पीटकर सिक्कों को बनाया जाता था उसे आहत सिक्के या फिर इन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू जो कि पुदुचेरी के निकट हैं, उनसे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में है, सबसे पहले भारत का संबंध वर्मा, जो कि स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार है, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया जो कि कंबोज है, और जावा जो कि यवद्वीप है, से स्थापित हुए। सर्वप्रथम भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुए। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनसे रिलेटेड कुछ शासक हैं, इनको आपको याद रखने हैं, इसे मैं बोलता हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, जिसमें कि डेट नहीं दिया गया है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड शासक हैं कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़, जिसे कि गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड शासक हैं रुद्रदमन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एहोल अभिलेख पुलकेसिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। जो हम लोगों का जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला थी, जो आर्ट था, उसकी शैली जो होती उसे नागर शैली कहा जाता है, और दक्षिण भारत में जो मंदिरों की कला है वो द्रविड़ शैली की कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। दक्षिणापथ में बेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है, जब मुख्य मंदिर चार सहायक
मंदिरों से घिरा होता है तो वो कहलाता है पंचायतन शैली का मंदिर। तो पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण हैं कंदारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मी मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये हो गया हमारा प्राचीन भारत जो कि ल्यूसेंट में दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो इतिहास का विभाजन तीन पार्टों में किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जिस काल में प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, वैसे काल जिस काल में मनुष्यों के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, या उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्वपाषाण युग, आपसे अगर पूछा जाए कि इतिहास का आरंभिक युग कौन है, तो पूर्व पाषाण या फिर पुरापाषाण युग, जिसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था शिकार था। शिकार पुरापाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज, नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक एज में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो कि अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है, अभी पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ उसमें अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। पहली फसल भी इसी को कहते हैं, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता हुआ है। कोल्हिडवा से का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग किसे कहते हैं, जब लोग कुछ बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, औजार बनाने लगे, पत्थर को काट पीट कर जब हथियार बनाने लगे, तो वो युग कहलाता था प्रस्तर युग। और पूर्व प्रस्तर के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। स्फटिक किसे कहा जाता है, आप एक चमकदार पत्थर देखते होंगे, शीशे की तरह चमकते हैं, उसे स्फटिक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब सीएल कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मीजोलिथिक एज से प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ, यानी कि आज से 6000 वर्ष पहले जो नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। सिंधी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या मतलब होता है, मृतकों का टीला। वहीं असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, भोपाल से
45 से 46 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं और ये गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पत्थरों पर चित्रकारी के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं और ये प्रागैतिहासिक काल से बिलोंग करता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नोट में भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियोकार्बन यानी कि कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। अब देखिए नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन की खोज, कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बी एफ लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल 1924 में ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी, ये देखिए इस तरह से बताया जा रहा है इसका बॉर्डर के बारे में, इसका विस्तार। तो ये जो पश्चिमी स्थल है, ठीक है, पश्चिमी स्थल, उसमें सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकागंडोर। कौन सा है? सुतकागंडोर। और ये किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। वहीं पूर्वी पुरास्थल कौन है? पूर्वी पुरास्थल यहाँ पर, ये जो पूर्वी साइट है, ठीक है, ये है आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिला में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? जो कि चिनाब नदी के तट पर मांडा नाम का एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, मांडा नाम का एक स्थान है चिनाब नदी पर। वहीं दक्षिणी बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो वो है दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जो सबसे उत्तर है वो है, वो कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है। जो पूर्व पश्चिम में है, जो पश्चिम में वो है सुतकागंडोर, पूर्व में है आलमगीरपुर जो कि मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और दक्षिण, सबसे दक्षिण है कौन सा? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये हो गया बात सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है, जो कि सिंधु सभ्यता थी, एक नदी घाटी सभ्यता थी, और इसके जितने भी पुरास्थल, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा है, और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुरकोटदा तो लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आपसे पूछा जाएगा लोथल और सुरकोटदा सिंधु घाटी के सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बंगल्स, काली चूड़ियाँ। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है।
अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जिसे यज्ञवेदी यहाँ से यज्ञवेदी भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसे यज्ञवेदी भी कहा जाता है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ये लिपि आपसे पूछा जाएगा चित्रात्मक है और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सका है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, जो चाइनीज सभ्यता है, ठीक है, जो चीन से रिलेटेड सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। बहुत ही इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत विकसित थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल में, ये इम्पोर्टेंट है, लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं और रंगपुर से भी प्राप्त हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सुरकोटदा, जो कि सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा कालीबंगा एवं लोथल से। तौल की इकाई उस समय संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी कि 16:32, 64, 48 इस तरह के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के, मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक इराक है, के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेलुहा शब्द जो मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर जो मेलुहा शब्द का वर्णन किया गया है उस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था, ठीक है, वणिक यानी कि व्यापारियों के हाथों में हड़प्पा संस्कृति का शासन था। जो सिंधु काल के लोग थे वे व्यापार करते थे, ज़्यादातर व्यापार उसका जो इकोनॉमी था, जो उसका अर्थव्यवस्था का आधार था वह व्यापार था। तो जो वस्तुएं आयात किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों का द्वारा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। वो टेबल एक बार देखते हैं। तांबे का आयात खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से किया जाता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। गोमेद एक पत्थर होता है जिसका कि आयात यानी कि इम्पोर्ट किया जाता था सौराष्ट्र के द्वारा। लाजवर्थ का किया जाता था, लाजवर्थ एक मनी होती है, एक पत्थर होती है, मेसोपोटामिया से, और सीसा को ईरान से किया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको दो या तीन बार सुन लेना है, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। जो सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है वह किस नदी के किनारे है, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हड़प्पा सबसे प्रमुख स्थल रावी नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अभी ये है, ठीक है, जिले में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी, माधो स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी और विलर 1946 ईस्वी में इस तरह से इनकी खोज हुई। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला अभी ये वर्तमान स्थिति है इसकी। राखल दास बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला, ठीक है, इसका अभी वर्तमान स्थिति। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं, वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटदीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं, वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान।
रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात का काठियावाड़ जिला, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात का कच्छ जिला, सोतका सादिकौर नदी के किनारे दक्षिणी बलूचिस्तान। तो ये कुछ इसके अभी वर्तमान स्थिति हैं, नदी हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। आप खोजकर्ता को एक बार यहाँ से देख लीजिएगा और ये कंप्लीट टेबल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सैंधववासी थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, इससे पता चलता है कि वो लोग युद्ध पर ध्यान नहीं देते थे। उस समय जो शासन था व्यापार, वो लोग व्यापार पर ध्यान देते थे, लोग मिलजुल कर रहते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पन कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। मतलब जो वहाँ पर आप अगर पूरे डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। हमारे चैनल पर पढ़ाया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप पूरे ल्यूसेंट को भी कवर करके ईजिली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। तो दोस्तों ल्यूसेंट के बुक से हम लोगों ने प्राचीन भारत और सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, एक या दो बार आप देख लेंगे तो पूरी की पूरी ल्यूसेंट हम इसी तरह से कवर कराएंगे। आप लोग इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और इस सीरीज को ल्यूसेंट की पूरी कंप्लीट सीरीज को इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने का भी हम प्रयास करेंगे। और इस तरह से बोलने से आप एक बार ल्यूसेंट को पढ़कर केवल सुनने से आपको ये याद हो जाएगा। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप एक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपदों का उदय और बौद्ध इस्लाम धर्म, तो बहुत सारे आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।